मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL 11 करोड़ से भी ज्यादा यूजर होने के बावजूद भी BSNL है लगभग बंद होने की कगार पर। फरवरी में कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन तक का भुगतान नहीं कर पाई। इसके अलावा एयरटेल आइडिया जियो और वोडाफोन जैसी कंपनियां कमा रही है इससे भी अधिक मुनाफा। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL करीब करीब बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। फरवरी में वो अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पाई, उसने ये भुगतान मार्च में किया। ये स्थिति तब है जब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी प्राइवेट कंपनियां मुनाफा कमा रही है। कभी सबसे प्रतिष्ठित टेलीकॉम कंपनी मानी जाने वाली BSNL आज देश में 11.5 करोड़ मोबाइल यूजर है। देश में उसका मार्केट शेयर 9.7% है। इन चार कारणों से बर्बाद हो रही है BSNL। आइए हम आपको बताते हैं उन चार कारणों के बारे में। पहला, कंपनी ने 4G स्पेक्ट्रम नहीं लिया है। वर्ष 2017 में BSNL ने 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी में हिस्सा ही नहीं लिया। उस समय सरकार ने कहा था कि उसे भी दूसरी निजी कंपनियों के दाम पर ही स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे। BSNL को उस समय ये दाम ज्यादा लगे। BSNL आज भी 4G रफ्तार नहीं दे पा रहा है। दूसरा, डेटा स्पीड वॉइस क्वालिटी में खराबी। डेटा स्पीड और वॉइस क्वालिटी नेटवर्क में कंपनी गुणवत्ता नहीं दे पा रही है। अपने नेटवर्क सुधारने के लिए उसने डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से इजाजत ली है। बैंक से 3,500 करोड़ का लोन ले सके, ये लोन उसे मिला नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस राशि में सुधार नहीं हो पाएगा। तीसरा, राजस्व का 55-60% सैलरी में जाता है। कंपनी राजस्व का 55-60% का हिस्सा सैलरी में खर्च करती है। फरवरी में वो 850 करोड़ रुपए सैलरी नहीं बांट पाए, इसे मार्च में दिया गया। कंपनी ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को 6,535 करोड़ रुपए का VRS प्रस्ताव भी दिया है ताकि कर्मचारियों की संख्या 1.76 लाख को कम किया जा सके। चौथा, जमीन नहीं बेच पा रही है। कंपनी की देश भर में काफी जमीन है, वो इसे बेचकर कुछ पैसा जुटाना चाहती है। उसने प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के विनिवेश विभाग को भेजा है, हालांकि इस पर विभाग ने विचार नहीं किया है। नियमों के अनुसार BSNL अपनी जमीन प्राइवेट सेक्टर को किराए पर भी नहीं दे सकती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।